पहले सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार की कमियों और खामियों को बताने का काम करते थे, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट उस पर लीपापोती के लिए आती है। राफेल सौदे पर बुधवार को संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट को कुछ इसी नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है। बावजूद इसके इस कोशिश में उसके भीतर की तमाम खामियां उजागर हो गई है। वैसे भी मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि राफेल सौदे के समय वित्त सचिव थे और पूरे सौदे के दौरान उसके हिस्से बने हुए थे। ऐसे में उनसे अपने ही कार्यकाल में हुए किसी सौदे के आलोचनात्मक परीक्षण की उम्मीद करना उनसे साक्षात गांधी को ढूंढने जैसा होगा। सीएजी और सरकार के बीच के तार को उस बंद लिफाफे ने ही खोल दिया था जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था, और उसमें सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारी बातें कह दी गई थी जो अभी सामने ही नहीं आई थी। सच्चाई सामने आने के बाद न तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर सरकार से पूछा और न ही सीएजी ने उस पर कोई एतराज जताया, जबकि ये खुले रूप में कोर्ट की अवमानना थी और सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था का वेजा इस्तेमाल। ऐसे में रिपोर्ट कैसी हो सकती थी उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। बावजूद इसके रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें जो न केवल सौदे की खामियों को उजागर करती है बल्कि हर तरीके से उनकी कलाई खोल देती है, और इस कड़ी में कुछ नई जानकारियां भी देती है जिसका सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत कीमतों से करते हैं। अवलंब तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर कीमतों का कभी खुलासा ही नहीं किया। सीएजी ने भी बगैर इसको बताए उस पर अपनी अलग अलग तरीके से राय जाहिर कर दी, और यूपीए के दौरे के मुकाबले नई डील में कीमतों के कमी के लिहाज से नया फिगर सामने ला दिया है। इसके पहले 19 अगस्त 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए के 126 विमानों की खरीद के मुकाबले मोदी सरकार के 36 लड़ाकू विमानों को 9% सस्ता बताया था। उसी के कुछ दिन बाद 29 अगस्त 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली नए फिगर के साथ सामने आते हैं। उन्होंने ये आंकड़ा 20% कर दिया। उसके बाद पीएम मोदी, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने संसद में बहस के दौरान खरीद के 9% से लेकर 20% तक सस्ता होने की बात कह दी, लेकिन सीएजी ने इन सब को ध्वस्त करते हुए अब उसके केवल 2.86% सस्ते होने की बात कही है। लेकिन अगर इसमें तमाम जरूरी खर्चे और दूसरी चीज़ों को जिसे सीएजी ने छोड़ दिया है शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा भी फर्जी साबित होगा। दिलचस्प बात यह है कि सीएजी रिपोर्ट में इस तरह के अतिरिक्त खर्चों का जिक्र किया गया है लेकिन उन्हें कीमतों में शामिल नहीं किया गया है। सीएजी रिपोर्ट के पेज नंबर 138 के पार्ट बी के पैरा संख्या 2-3 में साफ तौर पर इस बात को दर्ज दिया गया है कि 2007 के सौदे में प्रदर्शन गारंटी और वारंटी सौदे के कुल मूल्य का 10% थी जिसे दसॉल्ट एविएशन ने प्रस्तावित किया था। द हिंदू की 6/1/2019 की रिपोर्ट में सामने आई सौदा करने वाली टीम के डिसेंट नोट में बैंक गारंटी 574 मिलियन यूरो बताई गई है। सीएजी रिपोर्ट में इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया है कि ये दसॉल्ट एविएशन की बचत है, जबकि इस रकम को लड़ाकू विमानों की कुल कीमत में नहीं जोड़ा गया है। और इसके साथ ही पुराने सौदे में ये भारत को मिलना था जो अब फ्रांस के खाते में चला गया है। 126 लड़ाकू विमानों के पुराने सौदे में डिज़ाइन और डेवलपमेंट कीमत या भारत को ध्यान में रखते हुए होने वाले बदलाव और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के साथ पूरे सौदे की कीमत 1400 मिलियन यूरो थी, यानी 11.11 मिलियन यूरो प्रति विमान, जबकि बगैर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के 36 विमानों के लिए कुल 1300 मिलियन यूरो देने पड़े। इस तरह से प्रति विमान की कीमत 36.11 मिलियन यूरो पड़ी, लेकिन सीएजी ने कीमतों के इस अंतर को देना जरूरी नहीं समझा जो तकरीबन 300% ज़्यादा है, और इसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी शामिल नहीं है। अगर ऊपर की दोनों अतिरिक्त कीमतों को शामिल कर लिया जाए तो विमानों की कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में सीएजी का 2.89% सस्ता होने का आंकड़ा औधे मुँह गिर जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई है वो विमानों की डिलीवरी है। सरकार देश भर में इसी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही थी कि वायुसेना को तत्काल विमानों की ज़रूरत थी और यूपीए ने इसको सालों से लटका रखा था, लिहाजा अब और देरी नहीं की जा सकती थी, इसीलिए उनके एक साथ बने बनाए
36 विमानों को खरीदने का फैसला किया, लेकिन उसकी कलई सीएजी ने खोल दी है। इसमें बताया गया है कि सौदा करने वाली टीम ने विमानों की समय पर डिलीवरी को लेकर आशंका जताई थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन के पास 83 लड़ाकू विमानों का बैकलॉग चल रहा है, यानी उसे अभी बनाकर 83 विमान देने हैं और कंपनी साल भर में केवल 11 लड़ाकू विमान बना पाती है। सीएजी का कहना है कि इस बैकलॉग को ही पूरा करने में कंपनी को 7 से 8 साल लग जाएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि विमान कितनी जल्दी भारत में आने वाले हैं।